आईफोन 15 को लेकर दीवानगी और जुनून प्रशंसकों के सिर चढ़कर बोल रहा है। आईफोन 15 का क्रेज ऐसा है कि देश में आईफोन की बिक्री रिकॉर्ड बना रही है। आईफोन पाने के लिए युवाओं को 17-17 घंटे तक लाइन में लगने से भी परहेज नहीं है, लेकिन आईफोन के लिए ऐसी उत्सुकता और जो शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। आईफोन 15 की डिलीवरी में देरी से ग्राहकों के सब्र का बांध ही टूट गया और शोरूम को ही बना दिया अखाड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आईफोन नहीं मिलने पर गुस्से से आग बबूला ग्राहक शोरूम में घुसकर कर्मचारियों पर ही धावा बोल रहे हैं। इस दौरान वो न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं बल्कि स्टाफ को लात घूंसे से बुरी तरह पीट रहे हैं। ग्राहक इतने गुस्से में है कि 10 से ज्यादा कर्मचारी भी मिलकर स्टाफ को बुरी तरह पीटने से रोक नहीं पा रहे। आरोपी उन्हें पीटते हैं और उनकी टी शर्ट तक फाड़ देते हैं, जबकि वो अपने सिर पर हाथ रख कर बचने की कोशिश करता नजर आ रहा है। स्टाफ और ग्राहकों के बीच मारपीट का यह मामला उत्तरी दिल्ली के कमला नगर मार्केट का बताया जा रहा है। पुलिस ने भी इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए दोनों ग्राहकों को केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ये वीडियो आईफोन 15 की तरह ही बड़ी ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग वीडियो पर तरह तरह के कमेंट कर मजे ले रहे हैं। लेकिन आजकल के युवाओं को ये जरूर सोचना चाहिए कि मामूली सी बात पर अपना आपा खोना क्या सही बात है।